सनी लियोनी फेल कर दोगे तुम जोनी Sorry. क्या जोनी भैया दीपू भैया का नाम चलेगा फिर दीपू भैया राहुल भैया दीपू भैया राहुल भैया दीपू भैया राहुल भैया जोनी सिंह की मां की रहो तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फ्रेंड्स लोग का स्वागत है मदर साथ से छोटा घंटा देखना मिलता वीडियो के एंड में। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं प्रैंक करने वाला हूं अपने दोस्तों के ऊपर मतलब दीपू के ऊपर ही करने वाला हूं बेसिकली। तो मतलब वो लोग आजकल प्रैंक कर रहे हैं काफी खतरनाक, आप लोगों ने देखे होंगे भाभियों के ऊपर खेत में लेके चले गए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही है। तो उन्हें बुला लेते हैं, मतलब बात हो गई थी कि पार्क में मिलूंगा मैं इस टाइम, तो वो आने वाले होंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, फोन वोन नहीं करते हैं, आ जाएंगे जब आना हुआ इतना मैं खेल लूँ तो वो आएंगे और फिर प्रैंक शूट करेंगे। कैमरा छुपा लेना एंड में ऐसे चलती है। ओके हाँ अरे वो भी है उधर देखो सब है यहाँ, तुम्हारा भाई बनाएगा सिक्स पैक ऐप, ये बोलते हैं ना क्या बोलते हैं सिक्स पैक, ऐसी बोलते हैं ना कुछ लीन बॉडी चबा रहा हूँ क्या था हाँ ऐसी, और फिर बनेगी बॉडी और फिर बनाएगा तुम्हारा भाई क्या लड़की पटाओगे? अरे चल लड़की पटाते रहेंगे भाभियां भाई तूने भाभी ना छोड़ी पीछे तो पड़ेंगी यार, ये उल्टा चला रहा हूँ मैं, सीधा चली ना रहा, उल्टे ही काम है मेरे भी। वाइन आ रही है, वाइन तो चली रही है, चला मजा आवे। और अगली भाभी कब आ रही है? जो मिल जाए कर देंगे, कर देंगे खेत में खेत में ले गए क्या सीन था? नहीं ये सब तो बात चले, सीन क्या था मतलब खेत में मतलब अरे ऐसा हुआ वहाँ गए थे ना गांव में, हाँ मतलब कि गए तो वहाँ पे स्विमिंग पूल है दोस्त का, हाँ। उसमें नहाने गए थे, अच्छा वहाँ जा रही थी निकल के, हाँ मतलब कि बहुत देर से बैठी थी पहले घर पे अपने, हाँ अब दिख गई है मैं, हाँ खेत में घपा गप गन्ने के खेत में, गन्ने का ही था ना ज्वार का था पता ना ज्वार का तो मतलब राहुल ही था और कोई भी था? शूट मैंने करा था। अच्छा राहुल तू ना गया फिर? मैंने सुनो तुम यूट्यूब पे क्यों हो? YouTube छोड़ के उधर बना लो फोन फोन तो बना लो एक चैनल, सही बता रहा हूँ मैं बात ये उल्लूटी वालों से अल्ट वाला दिया एकता कपूर ऐसी की तैसी गप पाएगा सही बता रहा हूँ। YouTube छोड़ो तुम मतलब अब सीरीज में काम किया करेंगे, सीरीज में नहीं भाई तुम भाभी पकड़ो उल्लू में और जय श्री राम तुम्हारा सही है मतलब आ जाएगी ये, मुझे लग रहा YouTube से डिलीट होगा वहीं पहुंचेगी ये वीडियो, जैसा लग रहा है उस पर आ जाइए एक्स वीडियो में ट्रेंड लगा दीपांश को देखो तो ना कई चैनलों ने डाल रखा सनी लियोनी फेल कर दोगे तुम जोनी क्या जोनी भैया दीपू भैया का नाम चलेगा फिर दीपू भैया राहुल भैया जोनी सिंह की मां की रहे हो क्या कर रहे हो मतलब चलाओ चलाओ बस चलाने के चक्कर में कुछ भी ना ना तो ठीक है जो मिल गया वो कर गया, पर हंसी पूछिए तो देखो कर क्या रहे हो साड़ी उठा दी खेत में घुस गए कितने तो ऐसे देखे लूनियों को अरे तुम मेरी बात सुनो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, तुम हो हमारी टीम के मेंबर ना तो वैसे भी जो वो चीज़ें हैं पवन सर हैं उन्होंने मना कर दी वही तो भाई देख हर चीज पैसा और फेम नहीं होता हाँ ये तो सही बात है ना, मान ले भाभी चल रहा भाभी चलेगा क्योंकि ऑडियंस गाली भी देगी और देखेगी भी वही, तुम कुछ भी बनाओगे ना तुम अच्छा कंटेंट बना दो उसका थंबनेल वैसा ना हो या उसमें चम्मच चाटी ना हो या सिंपल कंटेंट हो हंसी उसमें कितनी हो घंटा नहीं चलने वाली नहीं चलेगा वो चलेगा ही नहीं, तुम भाभी डाल दो भाभी भी फलाना ढिकाना देवर ने भाभी को चूमा ये डाल दो टेंशन ना मिलन जाए तो बात, लेकिन भाई इमेज
हाँ वही है बस, इसी वजह से हमने बंद कर दिया। हमें थोड़ा सा ये अब ये नोटिस कर, पता क्या करेंगे, मतलब कि एक दो तीन कंटेंट सोच रखे हमने, दोस्त है हमारे, उनकी वाइफ है, नहीं नहीं शादी हुई है, अब उनको मारेंगे। बस इसीलिए बात करने को बुलाया था मैंने, मजाक वाली चीज अलग है, मजाक बकचोदी तो चलती रहती है, बट देख हर चीज पैसा और फेम नहीं होता, रिस्पेक्ट वाली चीज और वो सारी चीज हुई। क्योंकि बहन जो जैसे हिसाब से प्रैंक कर रहे हैं कुछ लोग, मैं कल एक का देख रहा हूँ, वो उसने वीडियो स्टार्ट करी प्रैंक वीडियो, वो प्रैंक लिख रहे हैं, प्रैंक वीडियो स्टार्ट करी, शुरू के 3-4 मिनट उसने बकचोदी, फिर अगले 5 मिनट किसी करा उसने वीडियो में। और क्या देख, हमारे पास थंबनेल, हम तो थंबनेल होता, तुमने पूरी वीडियो देखी, वो तो मैंने देख रखी है, वो थंबनेल होता। बट भैंस की पूछ यार क्या मतलब, यहाँ वो पोर्न दिखा रहे हो तुम, भैंस की पूछ मतलब 5 मिनट तक किसी कर रहे हो यार, प्रैंक को प्रैंक रहने दो ना। वही तो आजकल गंदी फैला पड़ा, मेरी बकचोदी समझ में नहीं आ रही। अच्छे क्रिएटर है जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो मतलब ऐसा कॉमेडी वाला कंटेंट बनाते हैं, उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सही बात, क्योंकि एक तो मेरी जनता का समझ में नहीं आता, देखेगी वो वही वाला कंटेंट ओपन करेगी, वही देखेगी, फिर गाली भी उसे देगी, गाली भी उसे देगी, कमेंट भी देखने लगा हमारे तो, कमेंट भी ऐसे हमारे तो, हम तो बंद कर देते हैं कमेंट को भाई। तो और वीडियो डालोगे तुम अपने चैनल पर, घंटा नहीं चलेगी, लाख व्यूज चली जाए बहुत बड़ी बात है, 1200 व्यूज भी ना गए बताओ, और इसे डालो भाभी डालो साड़ी उठाते हुए, मिलियन लाख, अब इंसान और कमेंट भी उस पर करेंगे कि ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे हो। तो भाई तुम देख क्यों रहे हो ऐसा कंटेंट, मेरी समझ में नहीं आ रही, देखेंगे भी उसे ही, तुम अच्छा कंटेंट क्यों नहीं देख रहे। हम थोड़ा बंद करेंगे, साफ लाएंगे, साफ लाएंगे, भाभी के साथ ही लेंगे जाते हैं, लेकिन इतना साफ लाएंगे, मतलब हाँ भाभी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटेंट सही हो वो वाली बात है, साफ ही लाएंगे। तो अच्छा मतलब चेंज कर रहे हो तुम। अच्छा अरे मैंने तो इसलिए बुलाया था तुम्हें कि तुम चेंज वेंज ना कर रहे हो, तुम बकचोदी करोगे, तुम चेंज कर रहे हो, अरे गुड बॉय, माय बॉय, माय बॉय, माय बॉय इन द हाउस गाइस। तो बेहतरीन कंटेंट आ रहा है, कॉमेडी वाला कंटेंट आ रहा है। अच्छा मुझे तो लगा था कि तुम बहन जो भाभी के पीछे पड़े रहोगे, यही कंटेंट बनाते रहोगे, मैंने तो इसलिए तुमसे मिलने के ऊपर बात है, मिल गई तो बन रही है उनके ऊपर, मैंने तो इसलिए देख के तारते हैं, जो तरवाने वाली होती है हम दोनों ने पकड़ पकड़ लेते हैं कि हां भाई ये कर दे ये काम, उस पर जैसा हुआ वैसा मार देते हैं दूर। तो अब बार तो बनते भी ना आया वीडियो, कल मेरे बात तो अब अच्छा वाला कंटेंट आएगा, वल्गर नहीं आएगा अब, अच्छा आएगा, क्योंकि यार बैंक के नाम पे यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, 6 महीने में प्रैंक भी बैन ना हो जाए। हाँ पूरी प्रैंक बैन हो जाएगी हमारी, ऐसी तैसी हो जाएगी, बंद ज्यादा हो रहा है मैं वही तो कि भाई, और मेरी समझ में नहीं आता, तो मैंने तो इसलिए बकचोदी करने को बुलाया था कि मतलब तुम लोग क्या बना रहे हो ये वो, बाकी मुझे लगा था कि तुम लोग बहस करोगे कि हम तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, इसलिए मैंने सूट भी कर रहा था, तुमने फोन पे बोल देते हैं, इसलिए मैं सूट भी कर रहा था कि तुम बकचोदी, पर तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, तुम तो समझदार लड़के निकले, इधर पेड़ के पीछे एक तो साला बीमार पड़ा था, उठा के ले आया भाई सूट करना है, बीमार पड़ा था साला अंदर वाले रूम में। तो ठीक है यार, मतलब वो यार, तो मैं यार मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मतलब तुम लोगों से यार, मैं ऑडियंस से ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अच्छा कंटेंट देख लो, मतलब तुम कमेंट भी उस वाले तो ओपन तो तुम ही करते हो ना, रिव्यूज भी उस पे देते हो सबसे ज्यादा, ओपन नहीं तो तुम भी करते हो, लाखों मिलियन उस पे जाते, ठीक है। तो मतलब यार अच्छे कंटेंट पे व्यूज दे लो, ओपन ही मत करो ऐसे कंटेंट को, हमारा भी फायदा हो जाएगा, गंदा नहीं होता, थंबनेल होता है वही तो यार, वीडियो पूरी अच्छी होती है, मान लो सस्ते बना होता है हमारे भजन होते हैं, और वो कंटेंट इसीलिए वैसा बना रहे क्योंकि उनका चल हो रहा है, मेन चीज ये है, अगर तुम वो कंटेंट नहीं देखोगे, अच्छा कंटेंट देखोगे तो वो बनाने वो बनाने ही बंद कर देंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और भाइयों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।